हॉट सीट का कारण तो सीपी चौधरी है, जयराम तयराम कल का बच्चा है, ये भटका हुआ युवा है, भगोड़ा हो गया है। मोदी जी के नाम पर कब तक चंद्र प्रकाश चौधरी जी जीते रहे? तो निश्चित रूप से जयराम गरीब घर से आता है, इसके माँ जो है सो 3 महीना बेड पर थी ना, तो हमारा सांसद सीपी चौधरी ने इलाज कराया। 3-3 ठो इसके पास प्रधानमंत्री आवास है, लेकिन आज इसके पीछे 20 गाड़ियाँ कहाँ से चल रही है? ऐसा तो नहीं है ना कि जयराम जी के वजह से सब लोग डर गए हैं, इसलिए उनको उनके लिए पुलिस भगा दिया है उनके पीछे पीछे? जयराम महतो को आखिर कौन परेशान कर रहा है? जिस दिन नामांकन हुआ उसी दिन पुलिस क्यों पकड़ने आई? 2 दिन पहले भी आ सकती थी, नामांकन के 2 दिन बाद भी आ सकती थी, उसी दिन क्यों आई? कांग्रेस तो सबसे अधिक अगर किसी का शोषण किया है तो मुस्लिमों का शोषण किया है, उसको आगे बढ़ने से रोकने का काम कांग्रेस किया। मोदी जी जिस प्रकार से बनारस को बदले हैं, क्या चंद्र प्रकाश चौधरी जी गिरिडीह को बदलने का प्रयास किया है? ये तो हिंदू को तोड़ने में लगा हुआ है, सनातन संस्कृति को परेशान करने का कांग्रेसिया आचरण जो है सो भी निभा रहा है। हम कहते हैं पुलिस पकड़ ली, और वो कहता है कि हम भाषण देंगे, और उसके बाद जो है सो उसको छोड़ दिया जाता है, तो अपराधी कौन है? अगर जयराम अपराधी है तो पुलिस अपराधी क्यों नहीं है, प्रशासन अपराधी क्यों नहीं है, आप हमको बता दीजिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड का सियासी पारा 7वें आसमान में चढ़ गया, और बात गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का हो तो यहाँ का पारा 100 डिग्री से ऊपर चढ़ गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि झारखंड के 14 संसदीय क्षेत्र में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र सबसे हॉट सीट बन गया है। जो भी मुकाबला होता था दुकोणीय मुकाबला होता था, लेकिन जयराम महतो ने जब से संसदीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। तो हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का जो है ताज किसके हाथ में जाने वाला है। चाचा जोहार और नमस्कार। आपको भी नमस्कार और धन्यवाद जो आप सर्वेक्षण में निकले हैं जी। चाचा ये बताइए कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में मुकाबला हमेशा से दुकोणीय रहा है, और इस बार जयराम महतो ने जब से ऐलान किया है मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, क्या लग रहा है इस बार मुकाबला किस ओर जा रहा है? सबसे पहली बात है जयराम की जी। जयराम है कौन, कितने जनता कितना जानता है जयराम को? अच्छा। उसका नाम जयराम हो गया, ये हुआ आंख का अंधा नाम नयन सुख जी, लेकिन उसमें श्री राम नहीं है। अच्छा। और जो NDA प्रत्याशी हैं उनके साथ जय श्री राम है। अच्छा। श्री का अर्थ होता है यश सम्मान है, जब श्री ही नहीं है तो सम्मान कहाँ, इसीलिए भगोड़ा हो गया है। भगौड़ा हो गया है? हाँ, तो और क्या है। अच्छा, आप नोटिस देखिए, DC का नोटिस है, जिला निर्वाचन पदाधिकारी का नोटिस है, तो हम तो भगौड़ा ही मानेंगे ना। क्या हुआ है ना चाचा, 1 तारीख को नामांकन के दिन हम भी गए थे, लाखों की संख्या में भीड़ आई थी, उनके चाहने वाले आए थे। उसी दिन जो नगरी पुलिस आई थी, 2022 का विधानसभा घेराव का कोई मामला था, तो उसी से रिलेटेड कोई उनको गिरफ्तार करने आई। ये कहा जा रहा है कि आजसू और BJP के द्वारा जो है जयराम महतो को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि सीधे सीधे तौर पर चंद्र प्रकाश चौधरी जी का है वोट जयराम महतो काट रहे हैं। अगर सत्ता में JMM है, RCP चौधरी इतने ताकतवर हैं, तो इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या हो सकता है? पहला, ये तो 7 तारीख को निर्णय होगा। अगर जयराम सकुशल रहते हैं तो हम तो कहेंगे जयराम और सत्तार सरकार जो है सो मिली हुई है, ये उनका प्रायोजित घटनाक्रम है। ये घटना को जन्म दिया गया हाईलाइट करने के लिए जयराम को। अच्छा, ये कौन जन्म दिया है इसको? सरकार आज जयराम के बीच में मिली भगत है। अच्छा, सरकार और मतलब JMM इंडिया का। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, हम कहते हैं पुलिस पकड़ ली, और वो कहता है कि हम भाषण देंगे, और उसके बाद जो है सो उसको छोड़ दिया जाता है, तो अपराधी कौन है? अगर जयराम अपराधी है तो पुलिस अपराधी क्यों नहीं है, प्रशासन अपराधी क्यों नहीं है, आप हमको बता दीजिए। ये बताइए चाचा कि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं ना, अभी जैसे हम लोग टुंडी विधानसभा में रिपोर्टिंग किए, उसके बाद आपका डुमरी में किए, गोमिया में किए, और आपका गिरिडीह जहाँ से सुदीप कुमार सोनू आते हैं, 4 विधानसभा में हम लोग रिपोर्टिंग किए हैं। ज्यादातर जो रुझान आ रहा है युवाओं का कहना है कि चंद्र प्रकाश चौधरी लापता सांसद, एक शायद अखबार में इश्तहार भी कोई छपवा दिया है, अब कौन छपवाया इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं चाचा देखिए, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लापता सांसद हैं, लोगों के पास आते नहीं हैं, लोगों के सुख दुख में आते नहीं हैं, तो जब आईबे नहीं करते हैं तो काम कैसे करेंगे? 1 मिनट जी। एक प्रत्याशी या एक सांसद के अनुसार उनके कामों का आकलन नहीं किया जा सकता है। वो प्रत्याशी का समर्थन किसको है, केंद्र में किसकी सरकार है, और जिसकी सरकार अगर उसने काम किया है तो उसमें चंद्र प्रकाश चौधरी का भी सहयोग है, ये आप मान के चलिए। लापता सांसद की अगर आप बात करते हैं तो 2.5 वर्षों तक कोरोना काल रहा, दूसरी शेष जो 2.5 वर्ष, अच्छा उन 2.5 वर्षों में इन लोग का मत भी रोक दिया गया, सांसद मत रोक दिया गया, उसके बावजूद
अगर हॉट सीट गिरिडीह बना है तो सिर्फ इसलिए बना है कि सीपी चौधरी दो बार मंत्री रहे हैं झारखंड सरकार में, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। हॉट सीट का कारण तो सीपी चौधरी है। जयराम तयराम कल का बच्चा है, ऊर्जावान जरूर हो सकता है। देखिए युवा जो होता है ना उसको उलट दीजिए तो वायु हो जाएगा। वो वायु अगर नियंत्रण नहीं रहा तो आप ऑक्सीजन श्वास का काम करता है तो जलाने का भी काम करता है। ये भटका हुआ युवा है, इसको अगर भटकाव से अगर नहीं लाया गया तो कल निश्चित तौर पर यह हम लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। जो व्यक्ति कहता है हमको तो डिवीजन करने में लगा हुआ है जी, ये पूजा नहीं करो, वो पाठ नहीं करो, फलना, ये तो हिंदू को तोड़ने में लगा हुआ है। सनातन संस्कृति को परेशान करने का कांग्रेसिया आचरण जो है सो भी निभा रहा है। ये यूपीए के जैसा बात कर रहा है आपका, क्या इंडी गठबंधन का बात कर रहा है ये। आज एक ट्रेडिशन बन गया है पूरे देश में विपक्ष का कि किसी तरह से सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करो, किसी तरह से महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध मतलब की बात करो। आज कंगना रनौत के विरुद्ध में क्या बोला गया, हेमा मालिनी के विरुद्ध में क्या बोला गया, इनको पता है सनातन शक्ति क्या है? सो कब बोला गया, नवरात्र के समय में जब माँ दुर्गा का पूजा होता है, हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार माँ दुर्गा होता है, और तब बोला गया कि नहीं सनातन संस्कृति सनातन शक्ति से हमको लड़ाई, राहुल का कहना है, ये सूर्य वाला कहते हैं, कुछ उनका कोने को श्रीनेत है वो कहती है। तो इन लोग ना तो इन लोग महिला का सम्मान जानता है न किसी संस्कृति का। अगर इन लोगों में दम है तो दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोल के देख लेना, समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। सर अच्छा लोग कह रहा है ना कि मोदी जी भी तो हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। स्वाभाविक है, ये राजनीति है। जब आप कुछ कीजिएगा, मुसलमान को बीडीएल कौन बनाया, कांग्रेस। आप हमेशा खाली लॉलीपॉप देते रहे और वो लॉलीपॉप तब तक दिए, चाटते रहो बेटा, चाटते रहो जब तक तेरा तलुआ छील नहीं जाता है। और जब तुम लुहान हो जाओगे तो उसका मिठास लगेगा कि कांग्रेस हमको कुछ दी है। कांग्रेस तो सबसे अधिक अगर किसी का शोषण किया है तो मुस्लिमों का शोषण किया है, उसको आगे बढ़ने से रोकने का काम कांग्रेस किया है। क्या नाम है दादा आपका? युवा है इसलिए मैं आपके पास आया। सचिन जी, संजय, रुझान से आप समझिए बात को। यहाँ 10 लोग बैठे हैं, आप यहाँ 8 लोगों का 9 लोगों का वोट किधर है आप देख लीजिए। नहीं तो आप लोग तो मान लीजिए कि आजसू पार्टी को समर्थन करते होंगे या बीजेपी के विचारधारा से आप लोग जो है प्रभावित होंगे। विचारधारा से प्रभावित नहीं है, बीजेपी के एजेंडा से प्रभावित, एजेंडा से हम लोगों प्रभावित है, एजेंडा से हम लोग देश हित की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या है दादा कि हम लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं ना तो लोग यही कहता है कि देखिए चंद्र प्रकाश चौधरी जी को हम लोग एक बार मौका दिए, ऑलरेडी विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं रामगढ़ विधानसभा से, मथुरा प्रसाद महतो भी तीसरी बार जो है विधायक रहे हैं टुंडी विधानसभा, मंत्री भी रहे हैं, तो हम लोग एक नया लड़का को मौका देना चाहते हैं। उसका विचारधारा जो है कि यहाँ के प्लान रोकने के लिए है, यहाँ का विस्थापन नीति को रोकने के लिए है, पुनर्वास की नीति को बनाने के लिए, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं लोग। तो फिर चंद्र प्रकाश चौधरी जो है एक्टिव भी नहीं रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों की बात क्या कहे, हम एक्टिव उनको देखे हैं, लगातार देखे हैं, कोविड के दौरान भी देखे हैं, पोस्ट कोविड इफेक्ट में भी वो लगातार रहे हैं, आज भी हैं। एक्टिव नहीं है तो दो दो मंत्रालय कैसे संभाले हैं, एक्टिव नहीं है तो अभी पटवार में जो जन आक्रोश हुआ था उसको कैसे संभाले, हर मामलों को तो वो अपने स्तर से। नाम हुआ दादा आपका? संतोष सिंह। चंद्र प्रकाश चौधरी जी का 4-5 काम बताइए, जहां हम जा रहे हैं ना लोग यही कहता है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी कुछ काम नहीं किए। मोदी जी का काम नहीं गिनाना है, राम मंदिर, 370, वंदे भारत, एम्स, ये सब नहीं गिनवाना है, इनका काम क्या हुआ अपने क्षेत्र में इनको? हाँ कहिए कहिए। अभी जो बात इन्होंने कहा कि राजा अकेले जीतता है क्या किसी जंग को, कि सेना जीतता है, हर आदमी काम करता है, इन्होंने अपने सांसद मद से क्या काम करवाए हैं? सांसद मन एक निधि होता है ना, जैसे विधायक निधि होता है, सांसद निधि होता है, तो उस निधि से क्या काम करवाए हैं? सांसद मद से हमारे घर के सामने का रोड बनवाए हैं, लाइट्स आप देख रहे हैं जी, है ना। अभी हाल में कितना वो रोड जो कितना किलोमीटर का रहते संकल्प बनवाया, पीएमओ से बना, कितने लोगों को मदद किए हैं, जो सांसद मत से एक जागरूक सांसद कर सकता है इनके द्वारा हुआ है ना। अब सांसद आप जो बीजेपी का मेन काम है उसको आप बोल दीजिएगा नहीं गिनाइए, सांसद लेवल का काम आप देख सकते हैं, जमीनी स्तर पर रोड बनाए बन ही रहा है, लोगों को एम्स और रिम्स का सुविधा मिल ही रहा है, बिजली में सुधार है ही, स्वच्छता है ही, तो आप सांसद से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यदि आप बीजेपी के लेवल पर काम नहीं चुनेगा, सांसद अपने बल पे कोई कॉलेज नहीं ला देगा, रोड ही ला सकता है ना, वो तो है ही। ये जब वहाँ पर सांसद में जब जाते हैं संसद भवन में, तो वहाँ पर कितनी बार यहाँ के जो बेरोजगार युवा हैं इनके लिए आवाज उठा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है गिरिडीह जो संसदीय क्षेत्र है, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, पलामू, ये 4 गो लोकसभा सीट ऐसा है जहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन होता है, सबसे ज़्यादा जो है भुखमरी गरीबी, इधर के आपको तमिलनाडु,
केरल, महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ पर जाते हैं और धक्का खाते हैं दादा, उसको कौन रोकेगा, कब रोकेगा, कैसे रोकेगा लोग? उसको स्थानीय सरकार रोकेगी या सांसद रोकेगा? दोनों का इसमें सहयोग होना चाहिए, दोनों का। यदि फेल्योर है तो स्थानीय सरकार का भी फेल्योर है, तो फिर सांसद साहब भी फेल्योर है यहाँ पे। सांसद साहब का जो अपना काम है वो कर रहे हैं, सांसद साहब का एजेंडा देश, सांसद एक कंट्री के प्रोस्पेक्ट में सोचता है, एक कंट्री के प्रोस्पेक्ट में बोलेगा। कंट्री के प्रोस्पेक्ट में नेशनल सिक्योरिटी आपके पास है, कंपनी के प्रोस्पेक्ट में कोविड में पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिफॉर्म अच्छा है ना। आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे दो दो रोड पास हुआ, कहीं ना कहीं सांसद का योगदान रहा होगा। कलकत्ता वाराणसी रोड बन रहा है, भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, कहीं ना कहीं सांसद का योगदान रहा होगा, है ना। पहले हम लोग कभी नहीं सुने थे कि यहाँ से भी JPSC वगैरह कुछ निकल रहा है, अब निकल रहा है, सांसद का योगदान रहा होगा। नहीं, JPSC तो राज्य सरकार का काम है। क्या नाम है सर? मेरा नाम जी मुमताज अंसारी। हाँ मुमताज साहब, आपसे मेरा बहुत ही कड़वा सवाल होगा कि आप जो है अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय जो है आजसू और BJP से कटी हुई रहती है, ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, ये लोग जात पात की राजनीति करते हैं, इस पे क्या कहना चाहिएगा मुमताज साहब? ये बात जो है ना जी, वो लोग करते हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता ही नहीं है। अच्छा, भारतीय नागरिकता नहीं है उनके पास? उनके पास कहाँ का नागरिकता है, कहीं का है, इसलिए बोलते हैं। इसलिए अच्छा, BJP अगर मुस्लिम से हट कर आता तो कई गांव बचता मियाँ का, किस किस जगह मुसलमान को मस्जिद जाने से रोका गया, किस किस जगह मेला लगाने से रोका गया, ईद का नमाज पढ़े बताइए आपको, झारखंड का नहीं तो गिरिडीह का ही बताइए। नहीं, ये तो नहीं रोका भी नहीं जा सकता, नहीं रोका जाता, फिर तुरस्तीकरण क्यों हुआ? मोदी जी का जो अभी असंवैधानिक जो बयानबाजी आया था कि मंगल सूत्र वाला, हम बोलना नहीं चाहते उस बात को, उस पर बड़ा ना लोग विवाद हो रहा है। आप सुनिए, बता रहे हैं, मेरा खानदान, मेरा जन्म कपूर, मेरे पिताजी कांग्रेस के ही है और मैं उसी कांग्रेस का बीच से आया हूँ, तो कांग्रेस ने हमको क्या दिया है हमसे ज़्यादा अच्छा किसी गांव वाले को नहीं मालूम होगा या शहर वाले को। उसने हमको बराबर दाढ़ी को सोटा, चिकन किया कि हम तुम्हारा हैं, लेकिन एक भी जगह उन्होंने कहीं जगह नहीं दिया। और रह गया BJP की बात, तो BJP की सरकार में क्या मुस्लिम लड़का वीडियो नहीं बन रहा है? उसमें कोई रोक नहीं सकता है, दरोगा नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा, इंजीनियर नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो आप पढ़े भी नहीं कीजिएगा बच्चा को और कहिए कि मोदी रोक दे रहा है। मेरा तो दो बेटा ग्रेजुएट इंजीनियर है, तीन बेटी पोस्ट ग्रेजुएट है, हमने पढ़ाया ना, तो हमको कहाँ मोदी जी रोके, हमको BJP वाले कहाँ रोका। लेकिन आप अपने बच्चा को नहीं पढ़ाइएगा और क्या बोलते हैं उसको मैकेनिक बनाने खोजिएगा, हेल्पर भेज दीजिएगा, दर्जीगिरी सिखाइएगा, तो लड़का कहिएगा नहीं तो मेरा बेटा तो नौकरी नहीं होता है, कैसे होगा? ये बताइए कि लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी तो नहीं हो रहा है मुमताज साहब, बताइए। सुधार का तो राज्य सरकार भी दोषी है, राज्य सरकार भी है, केंद्र, दोनों की गलती है, दोनों की गलती है, बिल्कुल। शिक्षा व्यवस्था आप बताइए कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में सांसद महोदय अपने मत से एकाध को लाइब्रेरी खुलवाए हैं 6 विधानसभा में, सच सच बताइएगा, ईमानदारी पूर्वक बताइए। नहीं खुला है, लेकिन शिक्षा पर इनका ध्यान शुरू से रहा है। जब लाइब्रेरी नहीं खुला है तो शिक्षा पर काहे का ध्यान है? अच्छा ये बताइए कि मुकाबला चंद्र मथुरा जी से है या जयराम जी से है? CP जी का मुकाबला कहीं कहीं अलग अलग है, दोनों में से किन के साथ है? हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, मथुरा जी के साथ है। ऐसा तो नहीं है ना कि जयराम जी के वजह से सब लोग डर गए हैं इसलिए उनको उनके लिए पुलिस भगा दिए है उनके पीछे पीछे? नहीं नहीं, सब ये जो है गरीब का लड़का सामने आ जाता है, बता रहे गरीब का लड़का वो नहीं बल्कि हम लोग भी गरीब। अच्छा अच्छा, ऐसा है क्या? जयराम का जहाँ घर है उसकी जन्म से हम जानते हैं, मेरी वहाँ काफी रिलेशन है। आपको इतने जान जाइए कि जयराम टुंडी साहब गए थे ना? हाँ बिल्कुल। कितना वोट ला रहा है? अब ये हम कैसे कह सकते हैं कितना? आपने कहा कि जनता के रुझान, देखिए मैं बता, अभी जो उनके सभा में था लाखों की भीड़ थी और बिना पैसा बिना पेट्रोल का भीड़, ये बोकारो में लाख मत बोलिए, हजार बोलिए। नहीं हजार भी आपत्ति था, कहिए लाखों मत बोलिए। देखिए आप एक दो शब्द का प्रयोग किए कि जयराम गरीब का लड़का है, गरीब घर से आता है, तो निश्चित रूप से जयराम गरीब घर से आता है। इसके माँ जो है सो 3 बेड पर थी ना, तो हमारा सांसद CP चौधरी ने इलाज कराया, तीन तीन ठो इसके पास प्रधानमंत्री आवास है, लेकिन आज इसके पीछे 20 गाड़ियाँ कहाँ से चल रही है? चंदा दे रहे लोग। कौन चंदा दे रहा है, कितना चंदा मिल रहा है वो बतावे तो, कि हमको चंदा कहाँ से मिल रहा है?
ये गलत गतिविधि वाले आपराधिक जो भाजपा से नफरत करते हैं, जो देश से नफरत करते हैं, उन लोगों के चंदा से ही आगे बढ़ते हैं। आपके हिसाब से चंदा कौन दे रहा है? चंदा कौन दे रहा है ये हम कैसे कह देंगे, लेकिन आ रहा है। कहीं से आ रहा है? आज जयराम महतो 11 साल या 12 साल में उसका बाप मरा, यही मथुरा महतो ने उसको आगे बढ़ाने काम किया। तो आज जब टुंडी में लड़ रहा है और टुंडी में यदि पहला स्थान नहीं ला पाता है तो फिर 6 विधानसभा में क्या उम्मीद रखता है? तो कह रहे कि हम जीत रहे हैं, एक तरफा जीत रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। तो हम भी बोले कि ओवर एस्टिमेट हो गया है। मैं फुटबॉल का भी प्लेयर रहा हूं, पेनल्टी गोल भी नहीं हो पाता है लेकिन कॉर्नर से गोल हो जाता है। सर क्या नाम हुआ आपका? रविशंकर जायसवाल। रविशंकर जायसवाल जी, एक बात और सामने आ रही है कि इलेक्ट्रोल बोंड से जो है चंदा हुआ, जो है भाजपा को जो है करोड़ों अरबों रुपए चंदा मिला है, बीफ कंपनी से भी चंदा मिला है, और बात यहाँ पर भारत माता की जय, जय श्री राम का नारा लगाते हैं, ऐसा क्यों होता है? चलिए जय श्री राम, जय श्री राम। सब मैटर में आप बड़े नेता से पूछिए, हम लोग प्रखंड लेवल के सामाजिक कार्यकर्ता हुए जी। हम लोग से गिरिडीह लोकसभा के विषय, गिरिडीह के बारे में ये बताइए कि जयराम महतो को आखिर कौन परेशान कर रहा है? आखिर उसी दिन जिस दिन नामांकन हुआ उसी दिन पुलिस क्यों पकड़ने आई? 2 दिन पहले भी आ सकती थी, नामांकन के 2 दिन बाद भी आ सकती थी, उसी दिन क्यों आई? ये सब चंपई सोरेन से पूछिए, चंपई सोरेन बताएंगे। मुख्यमंत्री है ना, सुनिए ना सर, देखिए अभी आदर्श आचार संहिता लागू है तो चुनाव आयोग जो प्रशासन है वो चुनाव आयोग के पास है, इसमें चंपई सोरेन जी और राज्य सरकार क्या कर सकती है? अब राज्य सरकार तो कर सकती है ना, चुनाव के बाद में संज्ञान लिया इस विषय पे जी, जब भगौड़ा हो गए तब संज्ञान लिया। भगौड़ा कैसे हो गए? अभी सब विषय आप बड़े बड़े वकील लोग से बात कीजिए, हम लोग तो उतने पढ़े लिखे नहीं है ना जी। हम लोग से गिरिडीह के विकास के विषय में बात कीजिए। गिरिडीह में क्या विकास किया चंद्र प्रकाश चौधरी, थोड़ा 4-5 बताइए, लोग लगातार पूछ रहे हैं। इस रोड से आ रहे होंगे जी, ये लाइट देख रहे हैं ना जी, जगमग जगमग जी, ये माननीय सांसद जी का तो ये अभी लगा हुआ है सर, हम हमेशा जाते हैं। ये अभी जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, आप 2 महीना पहले क्वेश्चन नहीं किए हमसे, ये लाइट देखिए। हम लोग जिस पंचायत में बैठे हुए उस पंचायत में आप जाइए, पूरा सफाई सीपी चौधरी के ही चलते हो रहा है, और कूड़ा हम लोग फेंकते हैं बाहर। मुंडू पंचायत स्मार्ट पंचायत है, हम पिटवार प्रखंड के ही बात करते हैं, बाकी जगह से हमको क्या मतलब है? यहाँ जितना विकास सीपी चौधरी जी किए हैं उतना विकास आज तक कोई सांसद नहीं। हमारे साथ चलिए ग्रामीण क्षेत्र, हम सभी जगह घूम के आए हैं। अच्छा, सभी बोलते हैं कि हम लोग मोदी जी से बहुत लाभ लिए हैं, मोदी जी भी सांसद है और सीपी चौधरी जी भी सांसद है। तो मोदी जी के नाम पर कब तक चंद्र प्रकाश चौधरी जी जीते रहे? मोदी जी जो भी विकास किए हैं, हम क्या बोले, मोदी जी भी सांसद है बनारस से, गिरिडीह से भी सांसद है सीपी चौधरी जी। तो मोदी जी जो काम किए है उसका क्रेडिट किनको जाएगा? इनको भी जाएगा, जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। लेकिन मोदी जी जिस प्रकार से बनारस को बदले हैं, क्या चंद्र प्रकाश चौधरी जी गिरिडीह को बदलने का प्रयास किया है? तो बदल दिए, सामने है लाइट देखिए ना। सुनिए ना सर, लाइट पे विकास होता है, हमारा ब्लॉक में है ना, हम ब्लॉक का ब्लॉक देखिए, पूरा लाइट बदल दिए। टुंडी चलिए, गिरिडीह चलिए, डुमरी चलिए, पिटवार में आया तो पिटवार कर धरती की बात कीजिए, हरा चतर चलिए इधर, पिटवार कर धरती की बात कीजिए। अभी नल से पानी जा रहा है ना, गरीब लोग बोलता पनिया वो बड़ी बढ़िया, इड़ा सीपी चौधरी की देन लाओ, लंबोदर जी की देन लाओ, तो ये तो गरीब लोग बोलता है। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन सिन्हा हुआ। चंदन जी ये बताइए कि हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं लोग ये कह रहा है कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी एक तो लापता सांसद है, दूसरी बात क्या काम किए हैं गिरिडीह के मतदाता को पता नहीं है, तो कुछ काम के बारे में बता दीजिए जरा हमारे दर्शकों को और गिरिडीह के मतदाताओं को। शिक्षा प्राप्त इंसान को तो पता होना चाहिए, जो इंसान स्वीकृत योजना जो सैंक्शन योजना होता है वो देखने का चीज होता है, मतलब जिला में उसका डॉक्यूमेंट्स रहता है। सांसद महोदय के द्वारा 4,450 करोड़ की लागत से लगभग 706 किलोमीटर का जाल बिछाया गया सड़कों का। आप अभी कुछ देर पहले शिक्षा की बात कर रहे थे, तो शिक्षा के बारे आपको बता दें, पारसनाथ कॉलेज का, डिग्री कॉलेज का माननीय सांसद गिरिडीह ही ने मांग उठाया था। आप बोले शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं कर रहे थे, तो अभी हाल में डुमरी में केंद्रीय विद्यालय का स्वीकृत सांसद के महोदय के अनुशंसा से ही हुआ है। और जहाँ तक आप बोल रहे थे कि आंसू व भाजपा वाले मुस्लिम विरोधी हैं, तो आपको बता देते हैं इन लोगों के द्वारा कल्याण विभाग के माध्यम से 36 कब्रिस्तान का 45 कब्रिस्तान का घेराबंदी कराया। विधानसभा कहाँ पे हुआ? गोमिया में, सिर्फ गोमिया विधानसभा, गिरिडीह लोकसभा अंतर्गत, ये एक पार्ट ऑफ
लोकसभा है गोमिया भी 34 नंबर संख्या आता है जिसका, उसमें इन लोग 45 कब्रिस्तान का घेराबंदी भी करवाया है। तो जैसा कि मैं आपको गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा से रिपोर्टिंग दिखाते आया हूं, तो अभी मैं गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के गोमिया विधानसभा के ये पेटरवार ब्लॉक है, तो ये मार्केट है, यहां पे हम लोग अभी कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, तो यहां पर जो है चंद्र प्रकाश चौधरी जी के बारे में लोग जो है पॉजिटिव बता और कह रहे हैं कि बहुत सारा काम किए हैं। तो गिरिडीह के मतदाताओं से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में कितना काम किया है चंद्र प्रकाश चौधरी जी, आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। बहुत जल्द जो है हम लोग और जो विधानसभा है, जैसे गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा आता है, तो सभी हम लोग विधानसभा में आने वाले हैं और आप लोगों से बातचीत करने वाले हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी सच में काम किए हैं कि सिर्फ हवा हवाई वाले बातें हो रही हैं। अब बात रही जयराम महतो की और मथुरा प्रसाद महतो की, तो देखिए इसका फैसला गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के मतदाता 25 मई को करेंगे और रिजल्ट जो है 4 जून को आएगा, तभी पता चल पाएगा कि किसके सर पे जो है ताज सजने वाली है। तब तक आप बने रहिए और भौकाल टीवी देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। शुक्रिया, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, धन्यवाद।